वंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिंधि सदन गज बदन विनायक। सिटी बाई स्टेट महोदय का एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत वंदन और अभिनंदन। के चलते लॉकडाउन के कारण हमारा यह सेवाव्रत अनुष्ठान नहीं हो पाया था, किंतु अब हम पुनः पूरे हर्षोल्लास के साथ इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस 14वें संकल्प दिवस को मैं अपने परम पूज्य बाबू जी को श्रद्धा के साथ उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। आइए इस शुभ समारोह को भगवान की कृपा और हमारे परम पूजनीय बाबूजी के आशीर्वाद के साथ आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं समस्त नारी शक्ति को नमन करती हूँ। मनुष्य सदैव आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आपने कभी माँ बनकर जन्म दिया, तो कभी बहन बनकर राखी बांधी, तो कभी सुहागन बनकर लंबी आयु की कामना की, तो कभी पुत्री बनकर गौरवान्वित कराया। यह समाज नारियों का ऋण कभी नहीं उतार पाएगा। वास्तव में बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं? ऊंचा हो मुकद्दर तो ही मिलती हैं बेटियां, सेवा व्रत अनुष्ठान किया गया है। क्या उद्देश्य है और किस तरह से ये पिछले 14 सालों से भैया कराया जा रहा है? सेवा व्रत अनुष्ठान का मूल रूप ये था कि हमारे शहर में, हमारे देश में बहुत सारे लोगों के, गरीब लोगों के, गरीब परिवारों के कन्या का जन्म होता है, तो वो लोग कुछ संकोच में रहते हैं कि हमारे कन्या का जन्म हुआ है, हम कैसे पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे और उसकी शादी कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग फेरी चलाकर, रिक्शा चलाकर यापन कर रहे हैं, अपने बच्चे परिवार बच्चों को पाल रहे हैं, उनको बच्चों की शादी में कहीं ना कहीं किसी न किसी थोड़ा कर्जा लेना पड़ता है, कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है। उसका उद्देश्य ये था कि उन्हें कर्जा ना लेना पड़े, उनके घर में जब बच्ची या बच्चा कोई भी पैदा हो तो वो खुशी का माहौल रहे और निश्चिंत रहें। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पिछले 14 सालों से हम इन लोगों का भाई के रूप में, पिता के रूप में इनका कन्यादान कर रहे हैं। हम लोग व्रत रखकर, कन्यादान कर पैर पूछ कर ही खाना खाते हैं। ये भावनात्मक बात है, भावना से जुड़ी हुई है। हमारे पूर्व, मतलब हमसे जब से हमने 2008 से चालू करा, इससे पहले हमारे पिताजी पिछले कई सालों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और आज हमें ये महसूस होने लगा है कि इन लोगों के यहाँ जब बच्ची पैदा होती है तो इनका केवल एक बात का भगवान से प्रार्थना रहती है कि बच्ची की शादी तो हो ही जाएगी, इसके पैर तो पूज ही जाएंगे, केवल मनोज भैया जिंदा बने रहें। इनका ये आशीर्वाद हमें जिंदा बनाए हुए हैं, जिस लायक भी आज हमें इन बहनों के आशीर्वाद से हैं, उन माता पिता के आशीर्वाद से हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं, बहुत बड़ी कृपा। और ये अनुष्ठान ही नहीं है, ये संकल्पित बात भी है। सेवा व्रत दिवस तो है, लेकिन ये संकल्पित है कि जब तक हम जीते हैं बच्चों का विवाह करते हैं। आज कितने जोड़ों का विवाह करेगा? और है, लेकिन लगातार विपक्ष का ऊपर हमला है कि चुनाव का धर्म बनाए रखने को याद आ जाती है। सब लोग ये 14 साल से लगातार निरंतर चल रहा है, कुछ लोग फोटो चुनाव को लोग नीचे आ जाए, चुनाव कुछ लोग ऊपर आ जाए, चुनाव का क्रम में फोटो खींच लें। हमला भर है आपके ऊपर कि चुनाव आता है वैसे ही अनुसार और हमारे विपक्ष जो हमला भर है, हम तो आपके माध्यम से उनको आमंत्रित करते हैं कि वो लोग भी शादी समारोह भी करें, रसोई भी चलाएं। अभी कोविड हुआ था उसमें हमने 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगाया, वो भी लगाएं, सेवा करें, इससे उन्हें भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलेगा, साथ मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा। और हम तो उनसे आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, तो चुनावी वर्ष वाकई में चुनावी वर्ष है, तो इसी वर्ष वो करें, आगे बढ़ें। हमारा कार्यक्रम तभी सफल होगा जब दीप से दीप जलेगा।